हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दोस्तों रत्नेश भट्ट। और दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है हमारी अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट को लेके। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फाउंटेन फिल के बाद वेक्टर पैटर्न फिल, टू कलर पैटर्न और बिटमैप पैटर्न फिल के बारे में बताऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट में दोस्तों, अलाइनमेंट से हमारा मतलब होता है किसी चीज़ को सही क्रम में रखना, सही तरीके से अलाइन करना, और डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। तो आज हम देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, यानी कि इस पर्टिकुलर कोरेलडो सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट का यूज़ करने से आपके डिज़ाइन में परफेक्शन आती है, आप डिज़ाइन को अच्छे से जस्टिफाई करते हो। तो अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट की आज की क्लास में मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा अलाइनमेंट्स के ऊपर कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का हम ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अलाइनमेंट का हमारा बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ होता है, और जितना बेहतर तरीके से ये सॉफ्टवेयर अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन आपको देता है, कमांड्स देता है, वो शायद ही कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपको देता हो। क्योंकि बहुत ईजी है इसके अंदर अलाइन करना, शॉर्टकट कीज का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। मेरा मेन फोकस शॉर्टकट की के ऊपर रहेगा। अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट की अलग से एक विंडो इसमें ओपन होती है, लेकिन हम उसके थ्रू वर्क नहीं करेंगे। उसको समझेंगे, देखेंगे, लेकिन वर्क नहीं करेंगे। वर्क हमारा मेन फोकस है शॉर्टकट कीज के ऊपर, और आप इसको अपने हैबिट में डाल लीजिएगा क्योंकि आप बार बार विंडो ओपन नहीं करेंगे अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट की, सीधा शॉर्टकट की से यूज़ करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट का कैसे यूज़ होता है। तो दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ पर दो कॉलम बनाए हुए पहले से ही, अलाइनमेंट का, डिस्ट्रीब्यूट का। अलाइनमेंट में टॉप के लिए यूज़ करेंगे टी, बॉटम के लिए बी, राइट के लिए आर, लेफ्ट के लिए एल, सेंटर हॉरिजॉन्टल होगा तो उसके लिए सी, और सेंटर वर्टिकल होगा तो उसके लिए होगा ई। ये शॉर्टकट कीज़ हैं सारी की सारी। और सेम डिस्ट्रीब्यूट में कीज़ हमारी सेम रहेंगी, सिर्फ उनके साथ शिफ्ट हमारा प्रेस हो जाएगा साथ में। तो अलाइनमेंट में मतलब एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइन करना, और डिस्ट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट्स के बीच के स्पेस को इक्वली डिवाइड करना। तो हम देखते हैं दोनों का किस तरह से यूज़ होता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए हैं। मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, ब्लू और एक रेड। तो अलाइनमेंट के अंदर हमारी सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है, अलाइनमेंट हमारा करने का सही तरीका होता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइन करना है, तो जिस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है या हिलाना है या दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइन करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पहले क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट को एंड में सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए, मैंने मान लीजिए मुझे रेड को मूव करना है और मुझे इस रेड को इस ब्लू स्क्वायर के अलाइन करना है, तो मैं पहले रेड को क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, उसका शिफ्ट के साथ मैंने ब्लू को भी सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए मुझे अपने रेड इस डॉट को इस ब्लू शेप के टॉप से अलाइन करना है, तो मैं सिर्फ टी प्रेस करूँगा, ये टी से अलाइन हो चुका है इसका इक्वल एग्जैक्टली सेम। बी प्रेस करूँगा तो बॉटम से एग्जैक्टली ये बॉटम में इसके प्लेस हो गया है। एल प्रेस किया तो ये देखिए ब्लू ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में अलाइन हो गया है। टी टॉप, आर राइट, बी बॉटम, और सी करता हूँ तो ये देखिए इसने सी इसको सेंटर में लाया, लेकिन हॉरिजॉन्टली इसने इसको अलाइन किया। और अगर ई प्रेस कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा वर्टिकली अलाइन हो गया। तो ये बहुत छोटी सी मामूली सी चीज़ थी, सिर्फ शॉर्टकट की के थ्रू आपने बहुत ईजिली अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर लिया। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर मान लीजिए मेरे ऑब्जेक्ट मल्टीपल हैं, मेरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, तो इस मल्टीपल ऑब्जेक्ट में कलर चेंज कर रहा हूँ इनके, ताकि आपको ईजिली थोड़ा सा समझ में आ जाए। और इस रेड का करता हूँ मैं, ठीक है, डार्क ब्लू। अब मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट, मुझे इन सब को इसके टॉप लेफ्ट या बॉटम अलाइन करना है, तो पहले मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा एक साथ, उसके बाद एंड में, क्योंकि इसके अलाइन करना है, तो वही चीज़ इसको एंड में सेलेक्ट किया जाएगा शिफ्ट के साथ। तो अब ये सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब अगर मैं टी प्रेस करता हूँ, देखिए सारे के सारे मूव हुए, लेकिन ब्लू ऑब्जेक्ट मेरा वहीं का वहीं एज इट इज़ रहा। बॉटम करूँगा तो ये बॉटम में प्लेस हो गए। अब अगर मैं लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट करने से दोस्तों होगा ये कि सारे के सारे ये वाले ऑब्जेक्ट मेरे एक ही पोजीशन पर हैं, यानी कि बॉटम अलाइन है और इनके साइज एंड शेप इक्वल हैं, तो मैं लेफ्ट करूँगा तो सारे के सारे लेफ्ट चले गए, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे सारे ये एक ही पोजीशन में चले गए, इसलिए जो ऑब्जेक्ट मेरे सबसे टॉप पे था पहले वो दिख रहा है, फिर ये हाइड हो गए दूसरे के पीछे। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको अलाइन किस तरीके से करना है। मैं एक एक को पकड़ के भी अलाइन कर सकता हूँ, लेफ्ट इसको सेलेक्ट किया टॉप, राइट सेलेक्ट किया बॉटम,
राइट और टॉप लेफ्ट, और इसको मैं करूंगा सी सेंटर और ई वर्टिकली सेंटर। तो ये मेरा देखिए इक्वली सही तरीके से एक छोटी सी कमांड के थ्रू सही जगह पे प्लेस हो गए, अलाइन हो गए। तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक बार में एक साथ अलाइन कर सकते हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट को तो कर ही सकते हैं, आपने जैसे कि अभी देखा। अब आते हैं हम फिलहाल अलाइनमेंट के अंदर, इतना ही था, ये बहुत छोटी चीज़ थी लेकिन समझनी ज़रूरी थी। अब और ध्यान रखिएगा, आपको शॉर्टकट की ही यूज़ करनी है, आप कहीं भी कुछ और तरीका यूज़ ना करें। अब देखते हैं हम अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में गया, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पर है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का एक मेन्यू, इस पर क्लिक करा तो ये विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। तो ये सेम चीज़ें जो मैंने यहाँ से करी थी इस टाइम पे शॉर्टकट की के थ्रू, वो आपकी यहाँ हमारे को बॉक्स में भी दी हुई है। इधर देखिए अलाइन का ये कॉलम अलग से है, ये सिलेक्ट किया उसका, इसको सेलेक्ट किया तो मैंने जैसे लेफ़्ट किया, देखिए इसने इसको लेफ़्ट अलाइन कर दिया इस बटन पर क्लिक के थ्रू। तो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है कि आप सोचते रहें यार ऑब्जेक्ट पे समझने, जब तक समझें तब तक आप शॉर्टकट के थ्रू काम कर लेंगे। आप थोड़ा सा इस विंडो को समझते हैं ये क्या है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ये है अलाइन ऑब्जेक्ट्स टू, इसके अंदर है पहला हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट क्लिक होंगे यानी कि एक्टिव हमारे उस टाइम पर, तो ये उनके ऊपर ही वर्क करेगा इस टाइम पर। तो अभी देखते हैं अलाइनमेंट आप समझ चुके हैं, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर थोड़ा सा। तो डिस्ट्रीब्यूट में देखो दोस्तों, होता है किसी भी शेप को इक्वली बराबर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना। तो मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ और ये शेप थोड़े से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास ये पांच शेप्स हैं, इन शेप को मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट बराबर इक्वल गैप में आ जाएँ। तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट में जाऊँगा और ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ्ट टू राइट ये डिस्ट्रीब्यूट हों बिल्कुल सेंटर से। तो मैंने जैसे ही क्लिक करा ये देखिए छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी, इसने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया और इनके बीच का जो गैप है वो इस सेंटर, हर ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट के गैप बराबर होंगे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का गैप, इस पॉइंट से इस पॉइंट का गैप, ये सब के सब आपस में बराबर है। और ये आपको ये गैप भी बराबर दिख रहे होंगे, बराबर इसलिए हैं क्योंकि हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही साइज और शेप के हैं, यानी कि इसका अगर हाइट और विड्थ इतना है तो दूसरे का भी सेम है। अगर ये किसी का एक का विड्थ, मान लीजिए थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट हल्का सा बड़ा करता हूँ और इसका विड्थ मान लीजिए इतना है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, इसका बिल्कुल इतना करता हूँ, इसका, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप में है। अब अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टली तो क्या हुआ, ये देखिए ये वाले गैप हर एक के डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन कमांड क्योंकि मेरी यहाँ पर थी डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए इसने हर एक के सेंटर पॉइंट को ध्यान में रख के डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि अभी भी इस पॉइंट से इस सेंटर का, इसका सेंटर इसके सेंटर के बीच का गैप इक्वल है, इसके सेंटर का इसके सेंटर का गैप इक्वल है, यानी कि ये गैप ये गैप ये गैप ये गैप इक्वल ही होगा, इसमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। सेम चीज़ अगर मैं इसको करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, तो लेफ्ट में ये देखिए इसने हर ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड को पॉइंट माना और उससे हर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी इस लेफ्ट से इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट के बीच का गैप, यहाँ से इसके बीच का, इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट का और इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट के बीच का गैप इक्वल है बराबरी। सेम चीज़ हम अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट स्पेस टॉप करते हैं तो टॉप से भी देखिए, सबसे टॉप में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये है, तो इसके और इसके बीच का गैप, इन दो के बीच का गैप, फिर उसके इसके और इसके बीच का, फिर इसके टॉप से इसके और इसके टॉप से, बहुत ज़्यादा इसके इसके हो गया यार, पर आप समझ लो इसके बीच का गैप इक्वल है। सेम चीज़ अगर ये पोजीशन वर्टिकल रखी होगी हमने तो फिर उस टाइम पे ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट इधर वाले वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए वर्टिकली काम हो रहा है, फिर ये बॉटम से हो गया है। जी देखिए इसने शो करा हमारे को, ये था हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली में इसने इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बराबर कर दिया। तो ये देखने वाली चीज़ें होती हैं थोड़ा सा, इनका ज़्यादा यूज़ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट में, इतना यूज़ नहीं होता डिस्ट्रीब्यूट में, दो चीज़ों को ज़्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट सेंटर।
इसके अलावा बाकी सारे ऑब्जेक्ट का इतने यूज़ कभी होता नहीं है। दिए हुए फिर भी आपको ऑप्शन कभी कभी किस तरह टेबल में जब आप टेक्स्ट के ऊपर वर्क करते हो तब शायद आपका इसमें यूज़ इनका डिस्ट्रीब्यूट का हो जाए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे पेज एज। मैं बाकी सारे डिलीट कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ हल्का सा और पेज को पूरा लेता हूँ। पेज एज से दोस्तों मतलब है ये देखिए, अभी तक अलाइन ऑब्जेक्ट टू था, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अभी पेज एज मेरा सेलेक्ट हो गया। पेज एज से मतलब है अगर मैं इसको लेफ्ट करूँगा इस ऑब्जेक्ट को तो ये पेज के लेफ्ट जा रहा है। सेम चीज़ सेंटर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों चल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये कभी किसी ऑब्जेक्ट को आपको पेज के एंड किसी कॉर्नर पे एग्जैक्ट पोजीशन में प्लेस करना हो तो आप तब इस टाइम पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी भी कह रहा हूँ ज़्यादा यूज़ का भी नहीं है बिल्कुल भी। अगला आता है पेज सेंटर। पेज सेंटर पे क्लिक करने से अब इसने इस पेज के सेंटर पॉइंट को अपना अलाइन पॉइंट मान लिया है, यानी कि अब इसको अलाइन समझ करके ये इस ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। ये देखिए लेफ्ट तो इस सेंटर पॉइंट के ही लेफ्ट हुआ, राइट इसके राइट हुआ, बॉटम टॉप ये देखिए वर्टिकल। तो ये इस सेंटर पॉइंट को मान के ही इस ऑब्जेक्ट को मूव करने पे लगा हुआ है। अगला है हमारा ग्रिड। ग्रिड से दोस्तों मतलब होता है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, व्यू में गया, ग्रिड डॉक्यूमेंट ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड सेलेक्ट करते ही मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको और दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा साइज कर रहा हूँ, ये देखिए जो ग्रिड लाइन दिख रही है इस ग्रिड लाइन में जो भी ग्रिड लाइन पास की होगी ये ऑब्जेक्ट उसके साथ अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट करते ही इस ग्रिड के पास था ही ज़्यादा इसलिए इससे अलाइन हो गया, राइट में जो इसके पास रहेगा उसी से ये अलाइन हो जाएगा। टॉप में अगर ये मान लीजिए इधर है तो ये इस वाले ग्रिड के टॉप से लाइन होगा ना कि इस वाले ग्रिड के टॉप से लाइन होगा। ये देखिए नीचे शिफ्ट हो गए मूव हो गए, तो ये ग्रिड के साथ अलाइन करने के लिए होता है, इसका भी यूज़ ज़्यादा नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा दोस्तों यहाँ पर है स्पेसिफाइड पॉइंट। ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है समझने वाली चीज़ है। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट और है मेरे पास, ये ब्लू कलर का है, मैं सिर्फ कलर डाल रहा हूँ। मैं ऑब्जेक्ट से मतलब कोई सी वेक्टर शेप इमेज आपकी कुछ भी आपके पास हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये कमांड्स अलाइनमेंट की, चाहे आपके वेक्टर शेप हो चाहे टेक्स्ट मैटर हो या फिर बिट मैप इमेज हो, सब पर वर्क करेगा अलाइनमेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं शेप्स पर काम करेगा। अब मान लीजिए मेरे को मैं चाहता था कि इसका टॉप रेड के टॉप से इस ब्लू का बॉटम अलाइन हो, यानी कि ये कुछ इस तरह से अलाइन हो जाए। लेकिन अगर मैं मैनुअली इसको ले जाता हूँ तो ये जरूरी नहीं कि इससे अलाइन हो, देखो बीच में गैप आ गया, मुझे इसकी पोजीशन बैठानी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये ब्लू अपनी जगह से ना हिले, मतलब ये जो स्पेस है ये ऐसी रहे लेकिन बस ये ऐसे मूव हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास जो तरीका है, एक तो है दोस्तों ये कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन को मैं करूँगा इस रेड के टॉप लाइन, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस लाइन के बॉटम लाइन कर दूंगा, तो ये बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट एक लाइन पे प्लेस हो गया। ये तो होती है ट्रिक, काम करने के तरीके, और ये लाइन वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और सबसे ईजी है ये। दूसरा तरीका है स्पेसिफाइड पॉइंट जो यहाँ पर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से टॉप से इसका बॉटम लाइन करना है। तो ये देखिए दोस्तों ये है बाउंडिंग बॉक्स, ये डॉटेड जो है इन डॉटेड की पोजीशन ये यहाँ पे दिखा रहा है, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी कि हमारा ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पे पेज पे किस जगह है ये वो आपको दिखा रहा है। सेंटर पे क्लिक करूँगा तो सेंटर पे इसकी पोजीशन देखो कहाँ पर है वो बता रहा है, टॉप राइट पे टॉप राइट की पोजीशन बता रहा है, टॉप लेफ्ट में टॉप लेफ्ट की पोजीशन बता रहा है इसकी। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ इसको टॉप सेंटर में, आप टॉप राइट भी क्लिक कर सकते हो उसको, मैंने टॉप सेंटर पे क्लिक करा। टॉप सेंटर पे क्लिक करने पर मुझे इस ऑब्जेक्ट की वाई पोजीशन ये मिली है कि ये भैया इसका टॉप का वाई पोजीशन ये है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस टाइम पे डबल क्लिक करा, कंट्रोल सी कॉपी करा वाई पोजीशन, और मैं यहाँ पर आया अपने और मैंने इस वाले वाई पोजीशन पर ये वाली वैल्यू इनपुट कर दी और एंटर प्रेस करा। अब मैंने करा इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक और मुझे वाई पोजीशन पता है ये है यहाँ पे इनपुट हो रखी है, तो
तो मुझे सिर्फ इसको बॉटम करना है, और ये देखिए एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो गया है। तो ये एक्स और वाई पोजीशन का यूज़ इस तरह से आप कर सकते हो आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूट में दोस्तों इतना ही था, इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैंने इससे पहले जो आपको लाइन वाला तरीका बताया भी, लाइन के थ्रू अलाइन करके, वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप अलाइनमेंट का यूज़ ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और क्योंकि ये जब आप विंडो ओपन करो तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखना, कई बार आप और किस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ उस टाइम पर आप ध्यान रखना थोड़ा सा। आप थोड़ा सा बीच में देखते हैं टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट और ये कुछ यहाँ पर आ रहे हैं, इनको भी देखते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, और मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट टाइप करा, कुछ भी वट एवर, कॉपी करके मैं इसको करता हूँ पेस्ट 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 पेस्ट। अब कई बार दोस्तों होता है कि टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम काम करते हैं टेक्स्ट बिल्कुल एच पे नहीं जाता है, जैसे कि इन डिज़ाइन में जाता है, तो हमारे को टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा सा इतना सा स्पेस देना होता है, छोड़ देते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट सही से इसके अंदर विजिबल हो। हल्का से भी ऊपर चला जाएगा या गायब हो जाएगा, पता चलता नहीं है। तो ये देखिए, अब मेरा इस टेक्स्ट बॉक्स के अलावा एक टेक्स्ट मान लीजिए हेलो लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट मेरा टेक्स्ट बॉक्स में है और ये टेक्स्ट बॉक्स में मेरा नहीं है। थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब होता है कि कई बार मैं जब इसको मुझे टेक्स्ट को चाहता हूँ कि इसके बॉटम हो, तो मैं पहले गाइडलाइन लगाऊंगा कि हाँ भाई बॉटम आ गया, और फिर मैं इसको ऐसे मैन्युअली प्लेस करूँगा। एक तरीका हो गया ये, या फिर मुझे इसके बॉटम में टेक्स्ट रखना है तो मैं ऐसे इसको अलाइन करूँगा गाइडलाइन के थ्रू। तो गाइडलाइन का ये पता कई बार सही ढंग से फिट ना हो, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये कि ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ये सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट में है फर्स्ट लाइन बेस लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन की बेस लाइन से अगर मुझे इसको अलाइन करना है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करा, सिलेक्ट किया, क्लिक करके ये सिलेक्ट कर लिए। तो अब मैं जैसे ही बॉटम करूँगा ये देखिए इसकी बेस लाइन से ये ऑब्जेक्ट, ये हेलो टेक्स्ट मेरा अलाइन हो गया है। सेम चीज़ अगर मैं लास्ट लाइन बेस लाइन से करता हूँ, क्लिक करा, ओ मेरा वो ऑब्जेक्ट वहाँ मूव हो गया। तो दोस्तों चक्कर ये था कि यहाँ पे मेरा पोजिशन वाले पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, स्पेसिफाइड पॉइंट को, जबकि मुझे अलाइन ऑब्जेक्ट्स में एक्टिव ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना। इसलिए ध्यान रखिएगा, देखिए भी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए मैं यहाँ से इनका यूज़ नहीं करता हूँ, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं और आप इसी में टाइम आपका वेस्ट होता है। अब मैंने एक्टिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, अब मैं बॉटम करूँगा तो ये देखिए मेरा से ये वाला ऑब्जेक्ट ही हिला, ये वाला अपनी जगह पर ही रहा। तो इसका यूज़ थोड़ा सा ये है, और थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें, कभी भी कुछ भी गलत चीज़ अगर आपकी सेलेक्ट है तो गड़बड़ होने के चांस पूरे पूरे हैं, जैसा कि अभी आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, मान लीजिए मेरी एक लाइन है, इस लाइन की थिकनेस है मेरी 8 पॉइंट। अब आप नॉर्मली अगर कोई टेक्स्ट लिखते हो, हेलो लिखा, येलो कलर है, अब मैं इसको इसके लेफ्ट हैंड करूँगा तो ये सेंटर पॉइंट वायर फ्रेम में आप जाके देखेंगे लाइन एक्चुअली में ये है, लेकिन थिकनेस इसकी इस टाइम पे बड़ी हुई है। अब अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ये सेंटर लाइन से ही अलाइन हुआ इसके, जो कि एग्जैक्ट लाइन थी। मैं चाहता था यार ये हेलो वाला वर्ड ना इस वाले पॉइंट पे जो स्प्रेड बाहर तक हो रखा है, इसकी थिकनेस जहाँ तक गई है वहाँ पर लाइन हो, लेकिन सेंटर हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऑन करना है, आउटलाइन अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आउटलाइन। मैं जैसे इस पर क्लिक करा ये सिलेक्ट है, और टेक्स्ट भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी जाएगा ये। अब देखिए लेफ्ट अलाइन हो गया, ये भी आपको ऑन रखना होगा उस टाइम पे क्योंकि आप टेक्स्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो ये देखिए अब इसके लेफ्ट में अलाइन हो गया है, राइट करता हूँ तो इस पॉइंट के राइट अलाइन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कई बार, ध्यान नहीं रहता, यूज तो होते नहीं हो, आप सोचते रहे क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ है, जबकि कुछ बटन सिर्फ क्लिक नहीं होते और उस टाइम पर सारी की सारी गड़बड़ हो रही होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा मेन फोकस अलाइनमेंट के ऊपर था कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अलाइनमेंट में शॉर्टकट कीज़ का आप अच्छे से यूज़ करें, उनको अपने हैबिट में डालें, तो आप बहुत ही अच्छे और जल्दी जल्दी इसके ऊपर वर्क कर पाएंगे किसी डिज़ाइन के ऊपर। दूसरा, आज की क्लास को लेके अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर ज़रूर दूंगा। और आपको आज की क्लास कैसी लगी
अच्छी लगी तो यार लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।